please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और दीपक विश्व बड़ी खबर दे रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली के ओखला मंडी इलाके में बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने छेनू गैंग के 70,000 के नामी बदमाश तनवीर उर्फ मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने बदमाश तनवीर को घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश तनवीर ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश को 2 गोली लगी। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर राजेंद्र पहलवान और सब इंस्पेक्टर प्रवेश कासाना को भी गोली लगी है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश तनवीर पर 2 लड़कियों की हत्या और पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। तनवीर के खिलाफ यूपी के बदायूं में भी हत्या का मामला दर्ज है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के कैप्टन और 3 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए सैनिकों में कैप्टन कपिल कुंडू, राइफलमैन शुभम कुमार, राइफलमैन राम अवतार और हवलदार रोशन लाल है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग में एंटी टैंक मिसाइल, ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में भी गोलाबारी की। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी में 2 नागरिक घायल हो गए। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें लगातार जारी। अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। वहीं पुंछ में भी लगातार फायरिंग जारी है जिसके कारण 2 नागरिक घायल हो गए। बहुत लोग छुपे हुए हैं। अचानक यहां पर फायर शुरू हो गया जिसकी वजह से लोगों को भागकर छुपना पड़ा। कुछ बच्चे हैं घर से निकले हुए, उनको भी नहीं पता कि घर वालों को कहां पर है हमारे बच्चे। लेकिन बहुत ही हैवी शेलिंग हो रही है, इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है। ये देख सकते हैं आप गांव में कितने नीचे तक आ रही है पाकिस्तान की फायरिंग, नीचे तक आ रही है। इससे हमारा बहुत ही नुकसान हो रहा है। लोगों के घरों पे पड़ रहे हैं, घर से छुप रहे हैं क्योंकि हम अचानक जा रहे थे, आ रहे थे घरों में। तो कोई कहीं पर होता काम के लिए, कोई कहीं पर होता, लेकिन अचानक जब फायरिंग शुरू हुई है तो भाग कर लोग छुपने के लिए हैं। हम अभी भी घर नहीं पहुँचे थे। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रजौरी के LOC के भिम्बर गली इलाके में। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन चल रहा है। रुक रुक कर फायरिंग अभी भी LOC के ऊपर जारी है। कल से अगर हम बात करें तो पुंछ और रजौरी सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। रिहायशी इलाकों में मोर्टार शैल दागे गए। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्टों को निशाना बनाया और एंटी टैंक मिसाइल जो थी, एंटी टैंक ATGM मिसाइल जो हैं वो दागे गए, जिसमें भारतीय सेना की एक पूरी पोस्ट को उन्होंने तबाह कर दिया, जिसमें एक युवा अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हो गए। और वहाँ पर भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आप ये इलाका देख सकते हैं कि कितना ये घना जंगल है और यहाँ पर नाले हैं। फाग का समय होता है, धुंध बहुत होती है सुबह के समय और रात के समय, और वहीं पर पाकिस्तान की जो सेना है वहाँ पर फायर करके उन इलाकों से घुसपैठ करवाने की कोशिश करती है। और जो दरे होते हैं उन दरों पर जो पोस्टें हैं, फॉरवर्ड पोस्टें, उनको निशाना बनाया जाता है। और कल भी यहाँ पर पाकिस्तान ने जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था ATGM, वो एक दागा है भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर। और वहाँ पर जो जवान तैनात थे उसमें 4 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक युवा अधिकारी कपिल भी शामिल है और 1 जवान वहाँ पर घायल हुआ है। तो वहीं पुंछ के शाहपुर सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 बच्चे घायल हुए हैं शेलिंग के चलते। लगातार हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सेना के एक अफसर और 3 जवानों की शहादत पर दुख जताया। खट्टर ने ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू और कश्मीर में देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात सेना के अधिकारी, हरियाणा के बेटे कैप्टन कपिल कुंडू एवं देश के 3 अन्य जवानों की शहादत को कोटि कोटि नमन। ईश्वर इन वीर जवानों को आत्मा को शांति और इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजौरी में जवानों के शहीद होने पर दुख जताया और पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि देश के 4 वीर शहीदों को सादर नमन करते हुए उनके परिवारजनों को हार्दिक संवेदना। पाकिस्तान का दुस्साहस पिछले 4 साल से बढ़ता जा रहा है। देश पूछ रहा है कि 56 के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी पाक की नापाक हरकतों का जवाब कब देंगे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ बीजेपी कार्यकर्ता काले झंडे दिखाते दिखे। यहां सीएम केजरीवाल करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन के पुनर्निर्माण के काम का शिलान्यास करने पहुंचे थे, जिसके विरोध में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने काले झंडे लहराकर विरोध करने लगे।
दौरान भीड़ में शामिल बीजेपी की कई महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा उपचुनाव की संभावनाओं को देखते हुए सीवर लाइन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास जानबूझकर रखा। आज जहां जहां चुनाव है वो अपने लोगों को जिताने के लिए दिल्ली की जनता की काली कमाई को वहां लगा रहे हैं। ये अभी से उपचुनाव के प्रचार का कारण है, ये कोई सीवर लाइन नहीं है। बीजेपी नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया है। यही वजह है कि दिल्ली में रहने वाले लोग पीने के पानी और सीवर की व्यवस्था जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। हालांकि बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला और दावा किया कि सीवर की व्यवस्था सुधारने के अलावा उनकी सरकार 2 साल के अंदर दिल्ली के हर घर में पीने के पानी की समस्या को भी दूर कर देगी। हम उस किस्म की गंदी राजनीति नहीं करते कि केवल नारियल फोड़ के जाएंगे और उसके बाद काम नहीं होगा। सीलिंग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों की नाराजगी की वजह से बैकफुट पर चल रही बीजेपी दिल्ली में सीवर और पीने के पानी की समस्या के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरे रखना चाहती है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन की 3 संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज समेत 2 करोड़ की राशि बैंक में जमा करने की बैंक रसीद बरामद की। इसके साथ ही जैन और उनके परिवार के लोगों के नाम पर जारी 41 चेकबुक भी जब्त की गई। दरअसल सीबीआई 15 लाख की रिश्वतखोरी के एक मामले में दिल्ली डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर ऋषि राज और काउंसिल के एडवोकेट एन प्रदीप शर्मा के दफ्तर और आवास में छापा मारने गई थी। इसी सिलसिले में जब आरोपियों के लॉकर खोले गए तो उसमें से सत्येंद्र जैन की संपत्ति से जुड़े कागजात और चेकबुक मिले। इन दोनों के पास से अब तक 24 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया और लिखा कि जब बीजेपी उनके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाई तो ऐसा काम कर रही है। सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है, उनका उस रजिस्ट्रार से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब तक बीजेपी उनके खिलाफ अन्य मामलों में कुछ नहीं निकाल पाई, यहाँ तक कि भाजपा सरकार को अभी तक हाईकोर्ट से उनके खिलाफ दायर अन्य मामलों में फटकार लगी है। अब भाजपा ने नया षड्यंत्र रचा है, जिन कागजों का जिक्र सीबीआई कर रही है वो सारे कागज खुद सत्येंद्र जैन ने सीबीआई को 2 बार दे चुके हैं और पिछले कई वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर भी है। इनमें नया क्या है? भाजपा सरकार केवल सत्येंद्र जैन भाई की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।